तुमने सना नहीं आदि ने क्या कहा? उसके और कोमल के बीच में कोई भी ताल्लुक नहीं है, और आइंदा आदि से इस लहजे में बात करने से पहले 100 दफा सोचना। ख्वाब में भीगती, ख्वाब में भीगती बरसात से धोखा खाया। कोमल पहली मुलाकात, कोमल से धोखा, ऊपर आकर खाना खा लो, खाना लग गया है। हाथी वापस आ गया? नहीं, तुम अब ये सब भूल जाओ। देर से आता है, देर से याद है। क्या फर्क पड़ता है? शायद फर्क पड़ता है, अगर फर्क ना पड़ता होता तो यूं पागलों की तरह सबके सामने मैं अपनी मोहब्बत का ऐलान क्यों करती? लेकिन आपने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं है। कोमल, तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसी और की बीवी हो। फिर भी मैंने वही कहा जो सच था। शायद उसका दिल बदल गया। बिल्कुल पागल हो गई। इस वक्त अपनी सोचो, अल्लाह का शुक्र अदा करो अहमद से जान छुड़ाने का उसने एक मौका दिया है। हाथी क्या कहता है क्या नहीं कहता, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फर्क पड़ता है। नहीं पड़ना चाहिए, ये सब बेसाखियां हैं जो टूट सकती है और टूट भी गई हैं। वो तमाम रिश्ते जो तुम्हारा ख्याल करते थे, तुम्हारी देखभाल करते थे, वो नहीं रहे। न चचा, न चची, न हिरा, अब तो हादी भी नहीं है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल खुद रखना होगा तुम्हें कोमल। हादी अब मुझे नहीं चाहता। क्या वो मुझे नहीं चाहता? लेकिन ताशा पहले भी तो उसकी जिंदगी में थी, उसके पीछे पड़ी हुई थी, मगर वो हमेशा सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। इंसान मर जाते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं मरती। मोहब्बत की दास्तानों में भी तो यही होता है। हीर भी तो किसी और की हो गई लेकिन राजा ने उसको नहीं छोड़ा, वो हमेशा उसी का रहा। तुम अपने होश में नहीं हो कोमल, बिना वजह अपने आप को धोखा दे रही हो। मैं कुछ भी कर लूं, हाथी किसी और का नहीं हो सकता। सिर्फ आशा जैसी लड़कियां तो पसंद भी नहीं, वो मुझे खुद बताता था। देखिए, हाथी वापस आएगा।